न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं रीवा जिले के हनुमना के ग्राम पंचायत पाती मिश्रान की, जहां 10 साल के बच्चे को घर में अकेला छोड़कर मतदान करने के लिए परिजन आए। इस दौरान बच्चे को सांप ने डस लिया और बच्चे की तड़प तड़प पर मौके पर ही मौत हो गई। जब मतदान करके परिजन घर वापस आए तो देखकर भौचक रह गए। बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए हनुमना ले जाया गया है। वहीं परिजनों ने बताया कि ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार की उन्हें सहायता नहीं मिली। पंचायत उम्मीदवार चंदन प्रसाद मिश्रा से सहायता मांगी गई तो आनन फानन में उनके द्वारा तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे वो पोस्टमार्टम के लिए हनुमना ले गए। परिजनों ने शासन और प्रशासन से सहायता की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। के वहाँ का खतिन मतदान हो रहा था स्कूल पर, सब पूरे गांव वासी मतदान देने चले गए। लड़के घर में खेल रहे थे, सांप काट लिया तो लड़का बोला कि दादी हमारा पैर का खतिन छड़छड़ा रहा है, पता नहीं का काट लिया। दादी कहे सो के खेल रहे लोहा वोहा लग गया होगा, तो ये भाई कह के लोहा वोहा लग गया है। जब धीरे धीरे बीख चढ़ गया लड़का के, तब का खतिन कहीं हमारा लड़का कैसे करत हो गया। धौरा धूप घटना हो गई तो भाग कहाँ खेल रहा था। सरपंच से बात हुई आपके? सरपंच से बात हुई, जो पुराना सरपंच थे उनसे बात हुई कि दादाजी ऐसी घटना हो गई। वो आए, हम बोले कि दादा अब क्या मदद देना चाहते हो आप, अब क्या कर हम लोग करें, गरीब आदमी गाड़ी घोड़ा ये लिखा पढ़ी कैसे हो। कहें हम कुछ नहीं जानते, ले जाओ हनुमना। कहीं कोई मदद कहें अब मदद हम क्या करें, बस इतना बोल के चले गए वो। इसके बाद जो अभी कल जीते हैं चंदन मिश्रा जी, उनके लगे हमने फोन लगा कर, दादाजी ऐसी घटना हो गई, आप वहाँ बहुत डरवा रहे हैं, हम लोग गरीब परेशान हो गए हैं, कहीं गाड़ी करो और मेरे से पैसा लो। उन्हें 1000 रुपये दिए तो हम लोग 1000 रुपये का गाड़ी करन ले करके हम मना गए, पोस्टमार्टम हुआ।